मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्योहारी गांव में शनिवार को खनन माफिया ने एक पटवारी की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। अब इस पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि रविवार की रात को पटवारी पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और कमलनाथ ने भी निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए प्रशासन पर सीधा निशाना साधा है। उमा भारती ने शहडोल की घटना पर ट्वीट करते हुए लिखा कि शहडोल के ब्योहारी में खनन माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने के कारण एक सरकारी कर्मचारी की हत्या, मध्य प्रदेश की सारी व्यवस्था, समाज, शासन प्रशासन सबके लिए कलंक एवं शर्मनाक स्थिति है। अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। आपको बता दें कि उमा भारती ने अपने ट्वीट के जरिए एक तरफ एक बार फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि शहडोल में रेत माफिया द्वारा अवैध खनन रोकने गए पटवारी श्री प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया और यह वारदात सामने आई है। यह पहला मौका नहीं जब मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं ने सरकारी व्यक्ति को कुचलकर मार दिया हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पनपा भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आगे लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि पटवारी के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। क्या है पूरा मामला, हम आपको ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में शनिवार की रात पटवारी प्रसन्न सिंह अपने अन्य पटवारी साथियों के साथ रेत का अवैध उत्खनन रोकने गए थे। अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को पटवारी प्रसन्न सिंह ने पकड़ लिया था। उत्खनन रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं रेत माफिया मौके पर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और ये पूरी घटना देवलोद थाना क्षेत्र के गोपालपुर सोन नदी की है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ अमर उजाला। अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।